नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। सड़कों पर भटकता ये शख्स क्यों ऐलान कर रहा है वोट नोटा को ही देना। रिक्शा टाइप का ठेला, उस पर लगे तिरंगे, हाथ में माइक, गले में पड़ा गमछा। ये शख्स ऐलान कर रहा है वोट देंगे तो नोटा को। लोगों से अपना दर्द सुनाकर अपील कर रहा है, नोटा का बटन दबाए, सरकारों को सबक सिखाए। ये शख्स कभी एक होमगार्ड था, इसने दिल्ली में 1992 से लेकर 2001 तक नौकरी की, बाद में निकाल दिया गया। नाम है डालचंद, वह साउथ दिल्ली के शाहपुर जट इलाके में रहते हैं। नोटा की अपील करने वाले डालचंद अकेले नहीं है, उनके साथ 354 होमगार्ड जुड़े हैं, जो अपनी नौकरी जाने से दर बदर भटक रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि कोई कमल हाथ या झाड़ू के बजाय नोटा का प्रचार कर रहा है। डालचंद 27 अप्रैल को घर से निकले, सबसे पहले महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे, वहां से अपना रिक्शा और माइक लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़े। कहते हैं, जहां थक जाता हूं वहीं लेट जाता हूं, फिर चलने लगता हूं, चुनाव तक ऐसे ही घूमता रहूंगा। डालचंद कहते हैं, कोई सरकार हमारी फरियाद नहीं सुन रही है। नेता चौकीदार बनकर विदेशों में घूमने लगे हैं, असली चौकीदार तो हम हैं जो रोटी के लिए भटक रहे हैं। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट ने हमारे हक में फैसले भी दिए, फिर भी बहाली नहीं हो रही है, हमें नौकरी पर रखा जाए, यही हमारी मांग है। खाली कुर्सियां देखकर अनुपम खेर ने रद्द कर दी सभा। चंडीगढ़, अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार में निकले अभिनेता अनुपम खेर का सामना सोमवार शाम खाली कुर्सियों से हुआ, यह देख वह मौके से चले गए, सभा फौरन रद्द कर दी गई। सेक्टर 35 में रद्द हुई खैर की इस सभा पर विरोधी दल चुटकी ले रहे हैं। उनका दावा है कि बीजेपी से वोटरों का मोह भंग हो चुका है, जबकि दूसरी ओर चंडीगढ़ के बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी को वोटर पूरा सम्मान दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस जगह सभा स्थगित करनी पड़ी उसका कारण यह रहा कि टेंट वाले सभा स्थल पर समय से नहीं पहुँचे, आयोजक तैयारी में व्यस्त थे, इस कारण खैर चुनाव प्रचार के लिए अन्य जगह चले गए। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने यह भी सफाई दी कि दूसरी जगह का कार्यक्रम दैनिक कार्यक्रम सूची में गलती से तारीख बदलने के कारण स्थगित हुआ। कार्यक्रम मंगलवार को होना था, लेकिन सूची में यह सोमवार के लिए छप गया। अनुपम खैर उसी तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।